लाख रुपए तक की मासिक वेतन पर रखने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के 150 ऐसे चौराहे हैं अध्यक्ष उपसभापति महोदय, जहां अगर आप जाएंगे तो आदमी अपने हाथ में तख्ती लेकर खड़ा रहता है दिल्ली के सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए। एक एक चौराहे पे चार चार आदमी, उनको तनख्वाह दी जाती है 20,000, लेकिन चेक से दिया जाता है 4,000। ये 16,000 रुपया ये लोग उसको कहां से पैसा लाके देते हैं? शायद ये अगर बताते, शायद अगर ये बताते तो बहुत बेहतर होता। और अध्यक्ष महोदय, जिसका सबसे बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री के साथ अभी वो एक मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। देखने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आज भी उस मंत्री के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। और क्या लिखा उन्होंने, विजिटेड ए मोहल्ला क्लिनिक इन दिल्ली विद हार्डली एनी पीपुल देयर, एक आदमी भी वहां नहीं था। आवर क्लिनिक इन कर्नाटका है मोर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लेबोरेटरीज टू बी इमीडिएटली टेस्टेड, यानी वहां पर हमारे कर्नाटक में ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो तुरंत जांच कर लेते हैं। और आगे क्या लिखा, आई गेस इट इज ए ओवर हाइप्ड स्टैंड एंड आई कम बैक फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यानी इन लोगों ने छोड़िए उन्हें मैडम, यानी नो कमेंट, उन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने सिर्फ शब्द बयानी की है, झूठ बोला है, मुझे तो यहाँ से बहुत निराश होकर जाना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे थे तो अभी तो जुमा एक महीना उनको आए हुआ है, वो भारत के कर्नाटक की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, अभी माननीय सिंधवी साहब यहाँ बोल रहे थे और हमसे बता रहे थे मार्गदर्शक मंडल की बातों को मानो, थोड़ी भी शर्म होती। आज अगर ऊपर कहीं सचमुच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बात सुनते होंगे तो शर्म के मारे उनकी आंखें डूब जाती होंगी। इस सदन को यह जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड क्या था। अभी तिरुचि शिवा साहब चले गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चर्चा कर रहे थे। इस सदन को जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या स्टैंड था। संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक निर्णय आया पट्टाभी सीतारमैया कमेटी का, नेहरू जी इतने नाराज